नमस्कार, मैं हूं सुमान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हाजिर हम आपके सामने कोरोना से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। बात करते हैं सबसे पहले मेरठ के गांवों में हो रही कोरोना जांच की। लगातार शहरों में कोरोना ने कहर बरपा रखा है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कोरोना अब गांवों में भी पहुंचने लगा है, जिसको देखते हुए मेरठ के स्वास्थ्य विभाग ने 1198 टीमें बनाई हैं जो कि गांवों में घर घर जाकर कोरोना की जांच करेंगी और वहां उनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएंगी। बात करते हैं अब अगली खबर की। मेरठ में लगातार कोरोना का कहर जारी है, अब ये कहर कहीं जेलों में ना पहुँच जाए, इसलिए जेल प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार से लगभग 350 कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसमें ख़ास तौर से ऐसे कैदी होंगे जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा होगी या वो महिलाएं होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी, जिनको पैरल पर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बारे में जेल प्रशासन का कहना है कि अगर कैदी कम हो जाएंगे तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है और कैदियों पर ज़्यादा अच्छे से निगाह रखी जा सकती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जा सकता है। लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब मेरठ पुलिस भी सख्ती के मूड में नज़र आ रही है। पुलिस लगातार ऐसे लोगों की चेकिंग कर रही है जो बिना ज़रूरत घर से निकल रहे हैं, साथ ही बिना मास्क के घर से निकल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो किसी भी सूरत में इस कोरोना चेन को तोड़ना चाहती है और साथ ही उन लोगों पर सख्ती की जा रही है जो बेज़रूरत घर से निकल रहे हैं। इसके साथ ही मेरठ ज़िला प्रशासन ने अब लॉकडाउन में उन दुकानों को छूट दी है जहां पर ज़रूरत का सामान बेचा जाता है। सुबह और शाम 3-3 घंटे उन दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। बात करते हैं मेरठ में कोरोना के आंकड़े की। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा कई दिनों से 1000 से नीचे बना हुआ था, जो वापस अब 1000 से बढ़ गया है। मेरठ में 1498 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, साथ ही अब मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मेरठ में 11 नई कोरोना से मौतें हुई हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ यूपी तक।